नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। आज मैं मैंगो आइसक्रीम बनाऊंगी, वो भी बिना क्रीम के, बहुत ही कम चीज़ों से। ये खाने में बहुत ही अच्छा होता है। तो आइए आज का रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का मैंगो पीस करके लिया है। अभी मैंने यहाँ पे ग्राइंडर में दे दिया है, इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। मैंने यहाँ पे 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको मैं रूम टेम्परेचर वाला मिल्क से थोड़ा घुल के लेती हूँ। अच्छी तरह से हमें इसे घुल के लेना है। यहाँ पे मैं 1 लीटर मिल्क को सुखा के 1/2 लीटर बना लिया है। अभी मैं यहाँ पे 1/2 कप शुगर डाल देती हूँ। इसको और थोड़ी देर के लिए मैं बॉईल करूँगी। अभी कॉर्न फ्लोर जो मैंने मिल्क से घुल के रखा था वो डाल के देती हूँ। अभी अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अभी कंटिन्यूअसली इसे चलाते रहना है। ये गाढ़े हो चुका है, अभी गैस ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। मिल्क ठंडा हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे मैंगो का जो पेस्ट बनाया था उसे यहाँ पे मिला लेती हूँ। अभी कंटेनर में इसे डाल के देती हूँ और 4 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी। उसके बाद फिर से निकल के इस आइसक्रीम को थोड़ा क्रश करके दूँगी। मैं 2 कंटेनर में रखा है, अभी इसे 4 घंटे के लिए फ्रिज डीप फ्रिज में रख दूंगी।
चार घंटे बाद मैं निकल के फिर से इसे क्रश करके फिर से 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। आठ घंटा हो गया है, मैं आइसक्रीम को निकल रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरा हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। ऊपर स्क्रीन पे जो मेरा पिक्चर आ रहा है उनमें क्लिक करके आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हो और मेरा हर रेसिपी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।